टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड पोजिशन. एंड एज यू कैन सी कि एल एक्स और एक्स को जब हमने कम्यूट किया तो आंसर ज़ीरो आ रहा है. इट मीन्स कि दे आर कम्यूटिंग. अब अगर ये कम्यूट करें, अगर एक कम्यूटेशन कम्यूट कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम साइमल्टेनियसली एंगुलर मोमेंटम एक्सिस में और पोजिशन उसकी एक्स एक्सिस में साइमल्टेनियसली जो है वो डिफाइंड कर सकते हैं. इट मीन्स के इनकी दोनों चीज़ों की, इन दोनों की साइमल्टेनियसली डिफाइंड वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी. एल एक्स और एक्स कम्यूट करें, इट मीन्स दे हैव साइमल्टेनियसली डिफाइंड वैल्यूज़. इन दोनों के आंसर साइमल्टेनियसली आ सकते हैं, इन दोनों को हम डिफाइन कर सकते हैं. अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, या एल एक्स और एक्स हमारे पास कम्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये तो मैंने अभी लिख दिया कि कर रहा है, लेकिन हमें अगर प्रूव करना है कि इसको कि ये कम्यूटेशन रिलेशन कैसे सॉल्व होगा, तो वो देख लेते हैं. एल एक्स एक्स का, एल वाई वाई का और एल जी जी का, मतलब सेम एक्सिस के लिए इन ये हमारे पास जो है वो कम्यूट कर रहे हैं, और सेम एक्सिस के लिए हमारे पास जो सॉल्व करने का मैथड है वो भी सेम होगा. तो हम एक सॉल्व करते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे. अब हमारे पास सबसे पहले आता है कि एल एक्स की वैल्यू क्या है. तो एल एक्स की वैल्यू हमारे पास होती है, एल एक्स की वैल्यू है माइनस आयोटा एच कट वाई डेल ओवर डेल जी वाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी माइनस जी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई. ये हमारे पास एल एक्स की वैल्यू है. इसी तरह से अगर वाई के लिए लिखनी है तो एक्स और जी में आ जाएगी, और अगर सी के लिए लिखनी है तो वाई और एक्स की फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास जो है वो वैल्यू इसकी. सॉल्व कैसे करना स्टार्ट करना है, एल एक्स एक्स ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हुए हैं कि ऑपरेटर हमारे पास सिस्टम पे किस तरह से अप्लाई किया जाता है. हमारे पास कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है तो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को डिफाइन क्या करता है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमारी किस चीज़ के पास होती है, उसके एसोसिएटेड वेव फंक्शन के पास. तो हम ऑपरेटर्स को वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो कि हमें कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी की, लीनियर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज डिफाइन करके देता है. तो ऑपरेटर को हम अप्लाई करेंगे, तो जब ये कम्यूटेटर को ओपन करते हैं तो ये कम्यूटेटर हमारे पास एल एक्स एक्स माइनस एक्स एल एक्स इस फॉर्म में ओपन हो जाता है. मतलब पहले यहाँ पे एक्स ऑपरेट होगा, फिर एल एक्स ऑपरेट होगा, और इसमें पहले एल एक्स ऑपरेट होगा, फिर एक्स ऑपरेट होगा. अब हमने क्या करना है, इंट्रोड्यूस वेव फंक्शन, क्योंकि हमें पता है कि ऑपरेटर विल बी अप्लाइड ऑन सम वेव फंक्शन और स्टेट फंक्शन. तो हम यहाँ पे वेव फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं दोनों साइड्स पे, इंट्रोड्यूस वेव फंक्शन ऑन बोथ साइड्स. तो हमारे पास बन जाएगा ये एल एक्स एक्स, साई वेव फंक्शन ले रहे हैं हम यहाँ पे, एल एक्स एक्स माइनस एक्स एल एक्स साई. अब हम यहाँ पे एल एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो एल एक्स की वैल्यू हमारे पास है माइनस आयोटा एच कट वाई डेल ओवर डेल जी माइनस सी डेल ओवर डेल वाई, और साथ में एक्स आ गया, माइनस एक्स पहले आ गया. अब एल एक्स की वैल्यू, अब अगेन एल एक्स की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस आयोटा एच कट y डेल ओवर डेल z माइनस z डेल ओवर डेल y, और हमारे पास आ जाएगा साई ब्रैकेट के बाहर. अब साई को हम दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये टर्म हमारे पास एच कट y डेल ओवर डेल z माइनस z डेल ओवर डेल y x साई माइनस माइनस प्लस आयोटा एच कट x. ये एक्स अब पहले आ गया क्योंकि ये डेरिवेटिव के बाहर नहीं आ रहा, डेरिवेटिव से पहले आ रहा है, और यहाँ पे एक्स हमारे पास डेरिवेटिव के बाद आ रहा है, तो इसको हम पहले स्टार्ट में नहीं लिख सकते. आयोटा एच कट एक्स वाई डेल ओवर डेल जी माइनस सी डेल ओवर डेल वाई इंटू साई. अब हम साई को दोनों टर्म्स पे अप्लाई करेंगे, इधर भी साई को दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई करेंगे. अब ये हमारे पास किस तरह से आएगी टर्म, आयोटा एच कट हम बाहर लिख लेते हैं अभी फिलहाल, वाई डेल ओवर डेल सी एक्स साई इस तरफ भी अप्लाई कर दिया माइनस सी डेल ओवर डेल वाई एक्स साई यहाँ पे भी आ गया, प्लस
इसको अब हम ओपन कर लेते हैं, आयोटा एच एक्स को हम अंदर अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा आयोटा एच कट एक्स वाई डेल ओवर डेल सी साई माइनस आयोटा एच कट एक्स जी डेल साई ओवर डेल वाई, ये टर्म हमारे पास आ गई। ये वाली टर्म्स जो हैं ये समझने वाली है कि इसको अब ओपन कैसे करना है। माइनस आयोटा एच कट, माइनस आयोटा एच कट आ गया हमारे पास वाई एज इट इज। अब ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो सबसे पहले डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म हमारे पास एज इट इज आ गई एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज आ गई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट टर्म, तो हमारे पास आ गई डेल एक्स ओवर डेल सी। अब हमें पता है कि डेरिवेटिव एक्स का विद रिस्पेक्ट टू जी क्या होगा, जीरो, तो ये टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी। माइनस आ गया जी, अब फिर फर्स्ट टर्म हमारे पास पहले आ गई, सेकेंड का हमने लिया डेरिवेटिव प्लस अब सेकेंड हमारे पास एज इट इज आ गई और फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया अगेन डेल ओवर डेल एक्स ओवर डेल वाई। अब ये फिर से एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, तो ये टर्म फिर से जीरो हो गई, प्लस ये दोनों टर्म्स हमारी एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी प्लस आयोटा एच कट एक्स वाई डेल साई ओवर डेल जी माइनस आयोटा एच कट एक्स जी डेल साई ओवर डेल वाई, ये टर्म्स एज इट इज़ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने इस आयोटा एच कट को पूरी की पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना, जो टर्म जीरो हो रही है उन्हें जीरो कर देंगे। माइनस आयोटा एच कट एक्स वाई डेल साई ओवर डेल जी प्लस माइनस माइनस आयोटा एच कट, तो ये टर्म जीरो होगी पूरी, माइनस माइनस प्लस हो गया आयोटा एच कट एक्स जी डेल साई ओवर डेल वाई, ये नेक्स्ट टर्म अगेन हमारी जीरो हो रही है, ये जीरो हो गई प्लस आयोटा एच कट एक्स वाई डेल साई ओवर डेल जी माइनस आयोटा एच कट एक्स जी डेल साई ओवर डेल वाई, ये टर्म हमारे पास आ गई। अब देखें ये एक्स वाई वाली टर्म माइनस में, ये एक्स वाई वाली टर्म प्लस में, ये तो वैसे ही जीरो हो गई, ये जी एक्स जी वाली टर्म प्लस में, ये एक्स जी वाली टर्म माइनस में, तो हमारे पास ओवरऑल क्या बच गया, जीरो। इस तरफ हमारे पास क्या आ रहा था, एल एक्स एक्स साई इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट एल एक्स व्हेन ऑपरेटेड दे कम्यूट।